यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते देखिए क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन है द पॉइंट 3, -4 लाई ऑन बोथ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x + 8y + 13 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x + 6y + 11 इक्वल टू 0 देन द एंगल बिटवीन सर्कल्स. अब देखिए ये पॉइंट दिया है, नहीं भी देते तो इसकी कोई वैसे जरूरत नहीं थी, ये पॉइंट होगा. अब एंगल बिटवीन सर्कल्स कभी भी पूछा जाए तो आपको पता है कि जो एंगल बिटवीन टेंजेंट होता है वही एंगल बिटवीन सर्कल्स होता है. तो अब आपके पास दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप दोनों के स्लोप निकाल के एंगल निकाल लीजिए. तो अब आपके पास पहला सर्कल है, इसका सेंटर क्या है, इसका सेंटर है 2, -3. सेकेंड सर्कल है, इसका सेंटर है 1, -4. ये पॉइंट दिया है 3, -4. तो अगर हम इसकी स्लोप देखें पहली लाइन का तो कितना होगा, देखिए -4 + 3 upon 3 - 2 दिस इज -1 राइट. दूसरे सर्कल का अगर मैं बोलूं आपसे स्लोप कितना होगा तो आप स्लोप बोलेंगे देखिए कितना 4 - 4 यानी 0. अब इनका स्लोप हो गया 0. अब एंगल बिटवीन अगर सर्कल देखें तो tan थीटा क्या होता है, m1 - m2 upon 1 + m1 m2. तो ये मिला आपको -1, ये मिला -1 मॉड के साथ, यानी आप 45 बोल सकते थे, 45 नहीं है तो -1 कब होता है 135. देन दिस इज द राइट आंसर. एक और तरीका था, आप चाहें तो ये भी कर सकते थे, cos थीटा इक्वल टू r1² + r2² - d² upon 2 r1 r2. बट इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन, ये डी होता है, ये R1 या R2, थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाता है. तो आप कंसेप्चुअली कितने स्ट्रांग हो इसके ऊपर डिपेंड करेगा. तो अगर हम देखें तो -1 आ रहा है, इसका मतलब 135 डिग्री इज द राइट आंसर, उसी फॉर्म में दिया है, नोट कर लीजिए. यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते देखिए क्या है. द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पासिस थ्रू ओरिजिन, कोई भी इक्वेशन जब ओरिजिन से जाती है सर्कल की तो आपको पता सी 0 होगा. द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड कट ऑर्थोगोनली ईच ऑफ द सर्कल x² + y² - 6x + 8 = 0 एंड x² + y² - 2x - 2y = 7 is. अब आपको इस क्वेश्चन में यह देखना है कि कौन सी इक्वेशन हो सकती है. द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पासेस थ्रू द ओरिजन एंड कट ऑर्थोगोनली ईच ऑफ द सर्कल, इन दोनों सर्कल को कट करती हुई भी जा रही हो साथ में. अब देखिए क्या करेंगे, इसका एक तरीका यह हो सकता है कि हम ऑप्शन से करें. ऑप्शन से करेंगे तो ऑर्थोगोनल की कंडीशन होती है 2g1g2 + 2f1f2 = c1 + c2. मान लो थोड़ी देर के लिए कि ये आंसर करेक्ट है राइट. तो और इसके साथ अगर मैं देखूं तो आप लिखते 2g1 कितना है -3g2 - 4/3. याद रखना, डिवाइड करना मत भूलना. इक्वल टू कितना होना चाहिए, इक्वल टू होना चाहिए -8 के, c1 + c2, तो सॉरी c1 है 8. अब चेक करिए कितना आ रहा है, 8 ही आ रहा है, यानी इस आंसर के चांसेस हैं. एक बात समझ में आ गई कि -8x आएगा, तो अब ये वाला आंसर नहीं हो सकता. अब ऐसे ही हम इसको भी चेक करें तो इसके साथ देखिए, इसमें जब लिखेंगे तो आप लिखेंगे माइनस ऑफ, अब यहां माइनस है तो इसका मतलब आपको जब आप यहां पर लेंगे देखिए 2, जीवन वाला तो 0 हो जाएगा क्योंकि यहां पर जब करेंगे तो कितना आएगा बोलो, 2 इंटू इसके साथ करिए -1, इसके साथ करेंगे तो कितना -4/3 + 2f1 - 1 राइट, इनटू यहां पर करेंगे तो कितना जाएगा बोलिए -13/6 इक्वल टू होना चाहिए -7 क्योंकि इसको आप यहां लेके आए राइट. ये देखिए, अब अगर आप देखें तो इससे क्या होगा, देखिए इसका एडवांटेज समझिए, यहां पर कितना आएगा, मैंने यहां पर माइनस लिखना था, यहां पर माइनस लिखना था, देखिए क्योंकि जी यहां पर -3 है, यहां पर ये -4/3, ये बिल्कुल ठीक है. अब यहां पर आए आप देखिए तो ये कितना हुआ, ये माइनस से पूरा प्लस, ये माइनस से पूरा प्लस, इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता. तो अब ये आंसर नहीं हो सकता तो एक और बात समझ में आ सकती है कि दोनों ही माइनस वाले आंसर होंगे तो ये आंसर करेक्ट होगा राइट. दोनों ही सॉरी दोनों में से एक एक एक्स माइनस होना चाहिए और वाई प्लस होना चाहिए, इसका मतलब ये वाला आंसर होगा. अब देख लीजिए क्रॉस चेक करके कैसे, अब मैं अगर इसके साथ चेक करूं तो देखिए क्या आएगा, 2 - -1 - -4/3 + 2 - -1 - 29/6 = -7 राइट. अब चेक करिए ये कितना आएगा, तो ये जाएगा 8/3 - 29/3. अगर मैं आपसे बोलूं इसका एलसीएम लें तो आप बोलते -21/3, दिस इज -7 राइट, दिस इक्वल टू दिस, तो ये करेक्ट आंसर हुआ. एक बार फिर समझ लीजिए मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं.
अच्छा अक्सर क्या होता है जब हम इस फॉर्मूले में जी वन जी टू रखते हैं तो इसके साइन अपोजिट कर देते हैं। आप अपोजिट भी कर सकते हैं और सेम भी रख सकते हैं। अगर अपोजिट करेंगे तो भी बैलेंस रहेगा, सेम रखेंगे तो भी बैलेंस रहेगा। और मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि आप कंपेयर हमेशा पॉजिटिव से ही करें। तो इसका मतलब पहले इसके साथ आपने एक चीज चेक कर ली कि माइनस एट वाला तो आंसर होगा। अब माइनस एट तीन में थे, 1 2 3 ये रिजेक्ट हुआ था। बट अब क्योंकि माइनस सेवन आ रहा है तो वाई का पॉजिटिव होना जरूरी था, वो एक ही में था इसलिए आपने लगा दिया, क्योंकि ये दोनों कॉम्बिनेशन एक में मिल रहे हैं। यानी ऐसे छोटे छोटे लॉजिक्स हैं जिनको आप डेवलप करके क्वेश्चंस को बहुत कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। नोट कर लीजिए क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द नंबर ऑफ नॉर्मल ड्रॉन टू द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x फ्रॉम द पॉइंट 1, 0। यानी वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x पर 1, 0 से कितनी नॉर्मल ले सकते हैं। देखिए नॉर्मल की इक्वेशन अगर हम देखें स्टैंडर्ड तो ये होती है स्टैंडर्ड पैराबोला की, y इक्वल टू माइनस mx माइनस 2am माइनस am क्यूब। अब अगर इसको कंपेयर करें तो देखिए a का वैल्यू 1 है, तो एक तरह से ऐसा हो गया mx माइनस 2m माइनस ऑफ m क्यूब। पासिंग थ्रू 1, 0 बोला है, 1, 0 रख दीजिए तो y की जगह 0, ये m x की जगह 1 माइनस 2m माइनस m क्यूब इक्वल टू 0। या ऐसा भी बोल सकते m क्यूब प्लस एम इक्वल टू 0, एम कॉमन लिया तो एम स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए इसके रूट इमेजिनरी मिले तो एम की एक ही रियल वैल्यू मिली, इसका मतलब एम एक ही नॉर्मल हो सकती है। अगर 3 वैल्यू मिलती रियल, अगर सपोज 3 वैल्यू मिलती, मान लो थोड़ी देर के लिए ऐसा सॉल्व होता तो आप एम कॉमन लेते तो एम स्क्वायर माइनस 1 मिलता, तो इस समय 3 रियल वैल्यू मिलती तो मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉर्मल 3 हो सकती है, बट यहां पर एक ही रियल वैल्यू मिली इसलिए 1 नॉर्मल होगी। राइट, नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते देखिए क्या है। इफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटरसेक्ट द हाइपरबोला एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर इन 4 पॉइंट एक्स आई वाई आई आई इक्वल टू 1 2 3 4, देन सम ऑफ ऑर्डिनेट पूछा वाई वन वाई टू वाई थ्री वाई फोर। अब एक क्वेश्चन को समझिए, तो देखिए x इंटू वाई इक्वल टू सी स्क्वायर दिया, ऑब्वियसली वाई वन वाई टू वाई थ्री वाई फोर जब भी आएगा जब 4 डिग्री इक्वेशन हो, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू सी पावर 4। यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालिए तो y स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी पावर 4। ये बन गई एक तरह से ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस वाई पावर 4 इक्वल टू सी 4, या वाई पावर 4 माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस सी पावर 4 इक्वल टू 0। ये सम ऑफ रूट्स है, इसके 4 रूट्स होंगे जो कि क्या होगा वाई क्यूब होना चाहिए था, तो 0 इज अ राइट आंसर। आपको पता है कोई भी इक्वेशन हो अगर 4 डिग्री की इक्वेशन है तो इसके जो पहले bx प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0 में अगर सम ऑफ ऑल रूट्स बोले तो माइनस बी बाय होता है, एक्स वाई क्यूब का कोई टर्म नहीं है इसलिए आंसर विल बी 0। राइट, नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या। इफ अ लाइन इन अ स्पेस मेक एन एंगल अल्फा बीटा गामा विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस देन cos 2 अल्फा cos 2 बीटा cos 2 गामा प्लस sin स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर बीटा एंड sin स्क्वायर गामा क्या होगा। आप देखिए आपको एक चीज पता है, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा होता है 1। ये आपने पढ़ा, अगर कोई लाइन 3 डायमेंशन में अल्फा बीटा और गामा एंगल बनाए डायरेक्शन को साइंस में रिलेशन एल स्क्वायर प्लस उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर। अब थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए दे दिया आपको। अब आपको भी पता है कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस टू अल्फा क्या होता है, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अगर आप लॉजिकली देखें साइन स्क्वायर अल्फा कैंसिल, साइन स्क्वायर बीटा कैंसिल, साइन स्क्वायर गामा कैंसिल, क्या बचा कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा, तो आंसर विल बी 1। एक स्टेप में मेंटली लिख सकते हैं, बस अब मैं लिख के बताऊंगा पर आपको यही कोशिश करनी कि आपकी स्टेप्स कम से कम हो। तो यहां पर क्या करेंगे देखिए सिंपल, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अब ये स्टेप जब लिखते हैं तो अननेसेसरी टाइम पड़ता है, कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा माइनस साइन स्क्वायर गामा, और फिर इसके साथ जब आप ऐड करेंगे तो सब कैंसिल हो जाएगा, तो देखिए क्या आ जाएगा, ये सब कैंसिल हो गया तो क्या बचा कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा एंड कॉस स्क्वायर गामा, दिस इज 1। राइट, नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखते देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द इमेज ऑफ द पॉइंट 3 2 1 इन द प्लेन, इस प्लेन के रिस्पेक्ट में 3 2 1 की इमेज बतानी है। अब याद रखिए जितने डिस्टेंस पर ये होगा उतनी ही डिस्टेंस पे इमेज बनेगी, यानी आपको पहले फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना होता फिर निकलती, बट एक बार पॉइंट जरूर चेक कर ले। अगर मैं ये पॉइंट इसमें रखूं तो क्या आता 9 - 2 + 3, देखिए 12, ये कितना आ गया 6 - 2 + 3, ये 7 ही आ रहा है, इसका मतलब पॉइंट ऑन द प्लेन है। तो पॉइंट अगर ऑन द प्लेन है तो इसकी इमेज भी यही होगी, तो यही के सेम आंसर होगा, यही कि यही सेम आंसर होगा। अदरवाइज आपको
इसकी लाइन की क्या निकालनी होती, इक्वेशन निकालनी होती, जो कि क्या होती, x माइनस थ्री अपॉन ए, y माइनस टू अपॉन बी, z माइनस वन अपॉन सी। अच्छा, ये प्लेन जो है, प्लेन की नॉर्मल और ये पैरेलल होते हैं, तो इसके डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, x माइनस थ्री अपॉन टू, y माइनस टू अपॉन माइनस वन, ये सब करना होता, z माइनस वन अपॉन थ्री इक्वल टू, फिर लेमडा मानते हैं, x इक्वल टू लिखते टू लेमडा प्लस थ्री, y इक्वल टू टू लेमडा, सॉरी माइनस लेमडा प्लस टू, जेड इक्वल टू थ्री लेमडा प्लस वन, एंड देन ये पॉइंट प्लेन पे लाए करता, लेमडा निकलता, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकलते, फिर इमेज निकलती मिड पॉइंट से, बट यहां पर बाई चांस पॉइंट जो है वो प्लेन पर ही है, तो उसकी इमेज भी वही होगी, तो सेम आंसर होगा। अगर ऐसा नहीं होता तो पहले आपको लाइन की इक्वेशन निकालनी होती स्ट्रेट लाइन की इन स्पेस में, देन अच्छा स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन है वो, और आपको पता है कि नॉर्मल का जो परपेंडिकुलर वो पैरेलल होते हैं, इसलिए डायरेक्शन रेशियो सेम लेते हैं हम, तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मिलती है एक्स वाई जेड लैम्डा के टर्म में, इक्वेशन में पुट करते लैम्डा निकलता, एक्स वाई जेड निकालते, एंड देन फिर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लेते एक्स वन वाई वन जेड वन, इन दोनों का मिड पॉइंट फुट ऑफ परपेंडिकुलर होता, राइट। ये कंसेप्ट हमने पूरा थ्योरी में अच्छे से पढ़ा हुआ, नोट कर लीजिए।